बॉक्स कंटेन 10 रेड मार्बल्स मेरे पास जो है। इन द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज इट इन रिटर्न जो है नंबर ऑफ रेड मार्बल्स जो है दैट इज 10 एंड 20 ब्लू मार्बल्स, तो एन ऑफ बी जो है दैट इज 20 एंड 30 ग्रीन मार्बल्स, और मेरे पास जो है 30 ग्रीन मार्बल्स आर गिवन टू अस। 5 मार्बल्स जो है मुझे आर टू बी ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इफ ऑल विल बी ब्लू। फर्स्ट पार्ट है कि मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ऑल ब्लू मार्बल्स, और मुझे जो है एट ए टाइम 5 मार्बल्स निकालने। मैं बेटा आपको बार बार ये चीज बताती हूँ, मुझे कैसे पता चलता है कि मैंने परमोटेशन कॉम्बिनेशन लगाना है, जो हम या हम जो 10th में करते थे कॉन्सेप्ट वो वाला लगाना है, क्योंकि एक से ज्यादा चीज निकालनी है, एक से ज्यादा निकालनी है तो हमेशा परमोटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट दोनों में से देख रहा है, कॉम्बिनेशन लगना है कि परमोटेशन लगना है। लेकिन अगर एक ही चीज निकालनी हो तो मैं डायरेक्ट नहीं कर सकती हूँ। अब मुझे आप बताइए बेटा, यहां पर मुझे कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि ऑल आर ब्लू, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑल ब्लू मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल जो है ओवर टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले मुझे नंबर ऑफ फेवरेबल ब्लू कितने हैं, 20। मैंने लेने कितने हैं, 5। कोई 5 सिलेक्ट करने ना, यहां परमोटेशन लगेगा कि कॉम्बिनेशन। ध्यान से देखो, यहां पर कोई मैटर नहीं करता कि मैं 20 बॉल में से कौन सी 5 पहले ले लूं, कोई अरेंजमेंट मैटर नहीं करता। आई हैव टू टेकन एनी 5, एनी 5 ना, कोई मैटर नहीं कर रहा। तो 100% बेटा मैं कॉम्बिनेशन अप्लाई करूंगी 20C5, ये मेरे पास फेवरेबल हो गया टोटल। अब मैंने 5 5 बॉल्स लेनी है तो 5 5 का ग्रुप बनाना ना बेटा। तो देखो मेरे पास टोटल कितनी थी, 60 बॉल या मार्बल्स आते हैं, है ना। तो टोटल 60 में से मैंने 5 5 का ग्रुप बनाना, ये मेरे पास फेवरेबल, ये मेरे पास टोटल। कोई क्वेश्चन आपके मन में ही है तो प्लीज आस्क मी बेटा, जल्दी जल्दी। एनीथिंग दैट कम्स इन योर माइंड, मैम आपने कॉम्बिनेशन क्यों लगाया। परमोटेशन तो 100% नहीं लगना, क्योंकि आपने बॉल्स लेनी है, ब्लू बॉल्स है। आप कोई मैटर नहीं करता कि आप पहले कौन सी उठाओ, 5 लेनी है, 5 के 5 ब्लू होनी चाहिए। इसीलिए यस चपन जोत बेटा, यस बेटा, यस। मम्मी क्वेश्चन एक बार दोबारा से बता दोगे, मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा था। ओके बेटा, मेरे पास क्वेश्चन ये था कि यस मैम। मेरे पास डिफरेंट तरह के मार्बल्स पड़े हैं, रेड मार्बल्स हैं वो 10 है, ब्लू मार्बल जो है वो 20 है, और ग्रीन मार्बल जो है वो मेरे पास 13, ठीक है जी। अब मुझे उसने कहा है कि मैंने कोई 5 मार्बल्स यहाँ से निकालने, तो कहता कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 5ों के 5ों जो है वो ब्लू हो। मैंने ये प्रोबेबिलिटी निकाली, मैंने सबसे पहले जपन जोत ये बात समझाई कि मैं यहाँ पर कैसे पता चलता है कि मैं सिंपल, मैंने ऐसे क्यों नहीं किया 20/60, मैंने ऐसे क्यों नहीं किया। रीजन, मुझे कोई एक नहीं लेना, मैंने 5 निकालने। अब खुद सोचो, अगर 10 रेड है, मान लो R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10, ठीक है। फिर ब्लू मेरे पास 20 है, B1 B2 सो ऑन B20, और ग्रीन 30 है, G1 G2 सो ऑन G30। अब मैंने कोई 5 लेनी है, अब मैंने ब्लू ही 5 मेरी फेवरेबल है। मैं बेटा ये पहले 5 ले सकती हूँ, या मैं पहले को छोड़ के नेक्स्ट 5 ले सकती हूँ। ये मेरे को नंबर ऑफ वेज ढूंढनी है ना, नंबर ऑफ वेज के लिए या मैं परमोटेशन लगाती हूँ या कॉम्बिनेशन लगाती हूँ। कॉम्बिनेशन तब लगता है जब ग्रुप बनाना होता है, मैंने 5 कोई ब्लू बॉल का ग्रुप बनाना है ना। मेरा कोई मैटर नहीं करता कि पहली बॉल मैंने सेकंड वाली ली या फर्स्ट, बिकॉज ऑल बॉल्स आर या मार्बल जो भी उसने
वर्ड यूज किया है, मार्बल्स का यूज किया है, तो ऑल मार्बल्स आर सेम ऑफ सेम कलर सेम साइज, तो डजंट मैटर ना बेटा, इसीलिए मेरे पास जो है मुझे यहाँ पर कॉम्बिनेशन लगाना पड़ा। तो मेरे पास फेवरेबल कॉम्बिनेशन में आपको पता है 20 ब्लू बॉल्स थी, उनमें से कोई पांच लेनी थी, ये फेवरेबल हो गया ओवर टोटल। अब टोटल में भी तो पांच पांच के ग्रुप भी बनेंगे ना, क्योंकि सिलेक्ट ही पांच करनी है, टोटल थी 60, 50 प्लस 10 60, तो 60 में से कोई फाइव मैंने सिलेक्ट करनी है, तो ये मेरे पास टोटल हो गए। इज इट क्लियर जपन? जपन एनी प्रॉब्लम बेटा? ओके, एनी अदर डाउट टू एनी अदर स्टूडेंट? चले बेटा आगे। आर्यमन, अर्शदीप, काव्या, अमीश, मयंक, क्लियर बेटा? चलिए गुड। चलिए बेटा नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर टू। ठीक है, अब आप लोग ही रीड करोगे और आप लोग ही, क्योंकि जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे आपको क्वेश्चन नहीं समझ आएगा। अबे अनम्यूट योर सेल्फ बेटा, अबे जल्दी जल्दी बेटा, तो अगर आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे ना तो मेरे अकॉर्डिंगली तो बेटा फिर आप सोए हुए हो, है ना, वीडियो ऑन नहीं करनी डजंट मैटर, बट एटलीस्ट आंसर माई क्वेश्चन मेरा बेटा। बहुत अच्छे बच्चे हो आप सब। चलिए पीछे से ले किसी का, समृद्धि, चलो लास्ट स्टूडेंट समृद्धि है, समृद्धि यस बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। रीड द क्वेश्चन सेकंड बेटा एंड टेल मी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, जल्दी। फोर कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग थ्री डायमंड्स एंड वन स्पेड? ओके, कैसे सोचेंगे बेटा फिर इस क्वेश्चन को? सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स लेंगे 52 सी 4। ओके वेरी गुड, व्हाई यू थिंक कि 52 सी 4 ही लेंगे हम? ऐसा हमें 4 कार्ड्स ड्रॉ, यस टोटल 52 कार्ड्स हैं उसमें से 4 कार्ड्स चूज करने हैं। बिल्कुल करेक्ट बेटा, कि हमारे पास जो है 4 कार्ड्स हैं और 52 कार्ड्स हमने सिलेक्ट करने हैं, तो हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी के लिए जो फेवरेबल है, क्योंकि 4-4 का पेयर बनाना है, कॉम्बिनेशन होगा कोई मैटर नहीं करता। जब हम प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं ना, हमने आपको कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपके पास मान लो एक ए का, एस का और एक 7 का और एक 12 का आना है ना, तो अगर आपके पास पहले 12 का आ गया बाद में एस आ गया, डजंट मैटर, सीक्वेंस डजंट मैटर, तो कॉम्बिनेशन लगता है। बिल्कुल ठीक है समृद्धि, नेक्स्ट स्टेप बेटा। इसके बाद फेवरेबल केसेस जो हैं थ्री डायमंड्स, तो वो 13C3 होंगे इनटू 13C1 होगा वन स्पेड। वेरी गुड बेटा, 100% करेक्ट समृद्धि। रीजन है यहाँ पर देखिए मेरे पास कैसे है, क्योंकि मेरे पास डायमंड के 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, तो 13C3 क्योंकि तीन डायमंड कार्ड लेने और एंड साथ में ही है ना, हमने परमोटेशन कॉम्बिनेशन में ये चीज की थी, एंड हो तो हमेशा हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई लगाते हैं, और हो तो प्लस लगाते हैं, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया और स्पेड के 13 कार्ड्स होते हैं, उसमें से सेलेक्ट एक करना है, फेवरेबल एक है, तो ये मेरे पास सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। ओके क्लियर। चलिए रिनिका, रिनिका अनम्यूट योर सेल्फ। ओके रेनिका नहीं है, पूरा पूरा वन म्यूट योर सेल्फ बेटा, पूरा अनम्यूट योर सेल्फ। चलिए मेघा, ओके ओके पूरा रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, रीड द क्वेश्चन नंबर थ्री, अनम्यूट योर सेल्फ एंड रीड द क्वेश्चन नंबर थ्री बेटा एंड टेल मी हाउ टू डू दिस, जल्दी जल्दी बेटा। पूरव, मयंक, मयंक अनम्यूट योर सेल्फ, मयंक। यस मैम। हाँ जी बेटा, बेटा रीड द क्वेश्चन नंबर थ्री एंड टेल मी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, जल्दी। जल्दी बेटा,
चलिए जी, नेक्स्ट बच्चे की टर्न आ जाती है फिर। दिव्यांशी, दिव्यांशी अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। रीड द क्वेश्चन नंबर थ्री बेटा। मैम, अ डाई हैज टू फेसेस ईच विद नंबर वन, थ्री फेसेस ईच विद नंबर टू एंड वन फेस विद नंबर थ्री। If the die is rolled once, determine the probability of two, second part probability one or three, and third part probability not three. Okay, जो है तो आपके दिमाग में क्या आता है? मुझे probability जो है, अगर एक dice को once rolled किया और मेरे पास है कि what is the probability that two will come, तो कैसे निकालेंगे? ये दिव्यांशी आपकी टर्न ही है बेटा, जल्दी जल्दी बताइए। मैम, हमें दिया हुआ है कि जो टू है वो थ्री टाइम्स आता है, तो फिर जो टोटल फेवरेबल केसेस होंगे वो थ्री होंगे और टोटल केसेस हमारे पास सिक्स है, तो प्रोबेबिलिटी वन बाय टू आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट जो है मैम, वन और थ्री में हमें दिया हुआ है, तो हम उसमें ऐसे ले सकते हैं कि ये जो हमने टू का निकाला है वो हम उसमें से माइनस कर दे वन में से, तो वो हमारे पास वन या फिर थ्री क्या आ जाएगी, वन या थ्री का। चलो ये भी देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है ना, टोटल में से मतलब। और मैम, जो लास्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री, तो उसमें जो हमें टोटल दिया हुआ कि कितनी बार थ्री आता है उसको हम वन में से माइनस कर देंगे, तो नॉट थ्री का आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है जी, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सीधा भी कर सकते हैं, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं था। उसने कहा कि एक डाइज आपको पता है कि ऐसे क्यूबॉइड शेप में होता है ना, इसके टोटल सिक्स फेसेस होते हैं ना, वैसे क्यूब होता है वो एक तरह का है ना, बट सिक्स फेसेस होते हैं, तो हमारे पास भी टोटल सिक्स फेसेस के बारे में उसने नॉलेज दी कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स की बजाय उसने ये बताया वन टू और थ्री। अब उसने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टू, अब एक ही नंबर है ना, कोई परमोटेशन कॉम्बिनेशन लगाने की जरूरत नहीं। अब टू कितने फेसेस पे है? थ्री फेसेस पे है, तो थ्री बाय टोटल फेसेस सिक्स, तो आंसर इज वन बाय टू। सेकेंड पार्ट उसने कहा था मेरे पास जो है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो वन आए या थ्री आए, वन आए या थ्री आए बेटा, तो मेरे पास वन या थ्री कितने फेसेस पे आता है? सिंपल, थ्री फेसेस पे आता है ना मेरे पास, है ना, तो मैं क्या कर सकती हूँ, थ्री और टोटल सिक्स, वन बाय टू। मैं सिंपल ऐसे भी कर सकती थी क्योंकि ये कौन सा बहुत लेंथी क्वेश्चन है, और थर्ड में मेरे पास था नॉट थ्री आए, अब थ्री ना आए तो दैट मींस क्या आए, मेरे पास थ्री नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, टू या वन, तो मेरे पास कितने हैं टोटल बेटा, यहाँ पर फाइव और टोटल कितने, सिक्स, फेवरेबल फाइव टोटल सिक्स, आंसर आ गए, मैं सीधा भी लिख सकती थी। ओके जी, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट फ्रॉम ऑल द क्वेश्चन, ठीक है, ये तो बहुत बच्चों जैसा क्वेश्चन था हमारे पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर मेरे पास जो है फोर्थ। अब उसने क्या कहा है, इन अ सर्टन जो है लॉटरी 10,000 टिकट्स आर सोल्ड, उसने कहा है कि 10,000 टिकट्स जो है वो सोल्ड की गई एंड 10 इक्वल प्राइजेस आर अवार्डेड, 10,000 सेल की और उसमें से 10 जो है वो equal prizes awarded किया गया, what is the probability of not getting a prize? अब उसने कहा कि उसको prize नहीं मिला if he buy one ticket, ध्यान से देखना, उसने कहा कि यहाँ पर आप directly भी कर सकते हो और हम घुमा के भी कर सकते हैं, ठीक है, let us see कि कैसा है मेरे पास जो है। उसने कहा कि अगर 10,000 मेरे पास जो है टोटल टिकट्स थी, ठीक है, और नंबर ऑफ टिकट्स विच गेट अ प्राइज, ये टोटल टिकट्स और नंबर ऑफ टिकट्स विच गेट अ प्राइज मेरे पास जो है वो कितनी है, 10, तो मुझे बताइए जो टिकट इतनी जिनको प्राइज नहीं मिला वो क्या होगा, सिंपल माइनस करेंगे ना, तो हम माइनस करते हैं, मेरे पास जो है 10,000 में से जो है 10 माइनस कर देते हैं, तो नंबर ऑफ टिकट्स व्हिच नॉट गेट प्राइज
दैट इज 1000 मेरे पास जो है 10,000 माइनस 10 जब माइनस 10 किया तो मेरे पास जो है कितना आंसर आया 0999 चेक कर लेना बेटा कोई मिस्टेक ना हो जाए मेरे से ओके क्लियर बेटा तो अब बेटा मेरे पास जो है यहाँ पर उसने क्या कहा है प्रोबेबिलिटी पहला पार्ट जो है दे जस्ट राइट की प्रोबेबिलिटी निकालिए कि इफ वी बाय वन टिकट लेकिन हमें प्राइज ना मिले अब बेटा खुद सोचो प्रोबेबिलिटी इवेंट की निकालनी है और मैंने वन ही टिकट बाय की एक ही की बात हो रही है ना आप चाहे कॉम्बिनेशन से कर दो चाहे आप क्या कर दो डायरेक्ट कर दो तब भी प्राइज नहीं आया तो यानी आपकी टिकट्स ये वाली होंगी है ना डिवाइडेड बाय टोटल 10,000 ये क्यों चला गया तो 9.999 ये मेरा आंसर आ जाएगा ओके जी क्लियर यही मेरा आंसर होगा हाँ जी तो मेरे पास ये हो गया कि मैंने देखा कि मेरे पास होंगे प्रोबेबिलिटी कि मैंने एक टिकट बाय की लेकिन मुझे प्राइज ना मिले ठीक है अब नेक्स्ट उसमें क्या कहा गया कि अगर मैंने दो टिकट्स बाय की ओके अगर मैंने दो टिकट्स बाय की यस दिव्यांशी मैम ये वाला क्वेश्चन एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो मैं करती हूँ बेटा इसमें ये बोला गया है कि मेरे पास अगर टोटल 10,000 टिकट्स है और 10 टिकट्स ऐसी है जिनको प्राइज मिलेगा ठीक है और वो कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि मुझे प्राइज ना मिले अगर मैंने एक ही टिकट बाय की पहले पार्ट में अब मुझे प्राइज ना मिले तो इसका मतलब मेरी टिकट्स कौन सी होनी चाहिए जिसपे कोई टिकट पे मैंने वो जो है प्राइज वाली टिकट ना हो टोटल टिकट्स इतनी थी 10 प्राइज वाली है तो ना प्राइज वाली टिकट्स कितनी है ये वाली तो मेरी इवेंट मैंने निकाला कि प्रोबेबिलिटी की प्राइज ना मिले तो वो क्या होंगी ना प्राइज वाली टिकट ओवर टोटल तो मेरे पास ये आंसर आ ठीक है दिव्यांशी अब सेकंड पार्ट में अगर मैंने कहा मैंने दो टिकट्स ली अब बेटा अगर मैंने दो टिकट्स ली है अब मेरा यहाँ कॉम्बिनेशन लगेगा क्योंकि एक से ज्यादा टिकट्स की मैं ग्रुपिंग कर रही हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी तब इवेंट का फेवरेबल मुझे प्राइस नहीं मिलना चाहिए यानी जो दो की दो टिकट्स है वो इन टिकट्स में से होनी चाहिए यानी इन में से मैंने कोई दो सिलेक्ट की डिवाइडेड बाय मेरे पास टोटल अब टोटल टिकट्स कितनी है मेरे पास अगेन मेरे पास तो है 10,000 ठीक है सिलेक्ट तो उनमें से भी कोई दो ही करनी है ये बात समझ आ गया दोनों में कंपैरिजन पता चला वहां एक ही टिकट लेनी थी आप पिछले क्वेश्चन में ऐसे भी लिख सकते थे ऐसे डजंट मैटर आंसर वो सेम ही आना था क्योंकि NC1 होता है तो आपको पता है वो आपके पास जो है वो N ही आ जाता है नीचे वो 10,000 ही बनता है लेकिन यहाँ दो थी तो मुझे सिलेक्शन ग्रुपिंग दो दो की करनी पड़ी ये बात सबको क्लियर हो रही है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट हम सारा यूज कर रहे हैं ओके बेटा क्लियर दिव्यांशी क्लियर बेटा गुड चलिए ठीक है अब नेक्स्ट अब आप बताइए अगर 10 टिकट्स बाय की जल्दी जल्दी इफ वी बाय 10 टिकट्स तो क्या आएगा चलो दिव्यांशी आप ही बता दीजिए यस बेटा क्या आएगा मैम C2 की जगह C10 आ जाएगा दोनों में बिल्कुल करेक्ट 2 की जगह पे 10 आ जाना क्योंकि हमें प्राइस तो चाहिए ही नहीं ना तो ना प्राइस वाली टिकट्स चाहिए तो वो 9990 है इसीलिए नंबर तो सेम ही रहा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन करने के अलग अलग मेथड्स हैं आप पे डिपेंड करता है आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हो हर जगह पे मेथड जो है वो डिफरेंट लगते हैं क्वेश्चन बिल्कुल आंसर बिल्कुल सेम आ जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता आप जिस मर्जी मेथड से
पहले अब क्वेश्चन समझिए, फिर मैं आपको इसके वेज बताऊंगी। क्वेश्चन ये है कि मेरे पास ना 100 स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनको ना 2 सेक्शंस में डिवाइड कर, ओके, आई हैव टू डिवाइड देम इन 2 सेक्शंस, ओके बेटा। तो आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 2 सेक्शंस ऑफ 40 एंड 60 आर फॉर्म्ड। तो मेरे पास जो है 100 स्टूडेंट्स को मैंने 40 और 60 वाले सेक्शन में डिवाइड कर दिया, ओके बेटा। If you and your friend are among the 100 students, अगर आप और आपका जो है friend वो उन 100 student में से है, तो what is the probability that you both enter the same section? जैसे हम example ले लेते हैं रिद्धि और समृद्धि का, दोनों sisters हैं, वो कहेंगे मान लीजिए कि 11th A बना एक 11th B बना, कि probability निकालो कि अगर वो 100 student में से दोनों है कि दोनों जो है वो सेम सेक्शन में ही जाए, बिकॉज बोथ आर सिस्टर्स, है ना, तो हम ये चाहते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और सेकंड है कि बोथ विल नॉट एंटर द सेम सेक्शन या बोथ विल एंटर डिफरेंट सेक्शन, एक ही बात है, हमने उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब सबसे पहले बेटा क्या केस हो सकता है अगर दोनों सेम सेक्शन में जाए, जो इजी मेथड आपको बताने लगे, दोनों सेम सेक्शन में जाए, मतलब अगर वो सेक्शन मान लो ए इसको ये बी इसको, इसका मतलब या वो ए में जाए या वो बी में जाए, जाएंगे तो दोनों ए में जाएंगे, जाएंगे तो दोनों बी में, या है ना, यानी दोनों के फेवरेबल केसेस में प्लस लगेगा। इतना मुझे पता चल गया, मैंने आगे भी आपको बात बताई है, अगर आपके अंदर से या बोले ना तो हमेशा क्या होता है, प्लस होता है ना, और इतना मुझे पता चल गया। अगर मान लीजिए दोनों सेक्शन ए में जाए, 40 बच्चे सिलेक्ट करने थे, डजंट मैटर कि मेरे पास जो है पहले रिद्धि को सिलेक्ट करूं या समृद्धि को करूं या किसी और को करूं, जाने दोनों एक जगह चाहिए ना, अरेंजमेंट तो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है ना, क्योंकि यहां कोई रोल नंबर की बात नहीं हो रही, सेक्शन बनाना है, ग्रुप की बात हो रही है, कॉम्बिनेशन लगेगा। मैंने 40 बच्चों में से 2 सेलेक्ट कर लिए, रिद्धि और समृद्धि, चलेगी सेक्शन ए में, ये फेवरेबल है केसेस, या अगर दोनों सेक्शन बी में जाए, वहां 60 बच्चे हैं, चाहती तो मैं दो के ग्रुप के, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट के फेवरेबल केसेस आ गए। मैंने प्रोबेबिलिटी निकालनी है नीचे टोटल, इसका मतलब जो 100 बच्चे हैं मेरे को दो दो का ही ग्रुप बनाना है ना, क्योंकि दो की सिलेक्शन होनी है, मैं ऐसे थोड़ा कर सकती हूँ बाकियों को एक एक, रिद्धि समृद्धि को एक, ये तो पार्शियलिटी होगी, हुई कि नहीं हुई, है ना। तो रिद्धि समृद्धि का अगर मैंने एक ग्रुप बनाया है दोनों को एक जगह, तो मैं सारे फ्रेंड्स का एक 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 ग्रुप बनाऊंगी, है ना। मेरे को आर्य मन कहेगा मैम गुरजोत के साथ मैंने जाना है, मैं कहूंगी ठीक है उनका ग्रुप बना देती, जाएंगे तो दोनों एक क्लास में, मतलब सिलेक्शन तो दो दो की हो रही है, तो टोटल बच्चे 100 है तो उनमें भी दो का ग्रुप ही बनेगा। दिस इज द इजीएस्ट मेथड टू सॉल्व इट, इसको आप सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आता है ना, इजी सा आंसर आता है कुछ भी। अब सेकंड पार्ट था कि बोथ विल एंटर द डिफरेंट सेक्शन, तो क्या करूं जो है सेकंड पार्ट में, ये सेम सेक्शन की है तो बोथ विल एंटर डिफरेंट, मतलब नॉट ई की, तो मैं क्या करूंगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, जो भी इसका आंसर आएगा 1 में से वो माइनस कर दो, यू विल गेट कि बोथ विल एंटर द डिफरेंट सेक्शन, यानी मम्मा पापा कहते हैं दोनों को अलग अलग ही भेजो जी, रहने दो ये पढ़ेंगी नहीं फिर, तो हम उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, सबको बात समझ आई, हर्षवर्धन, आर्यमन, आर्यमन नो रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड, हाँ जी गर, गुड आर्यमन, वेरी गुड वेरी गुड, गुरसीरत गुड, चलिए ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है चलिए, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे पास जो है वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम द मिसलेनियस एक्सरसाइज,
Okay, what is written here? Three letters are dedicated to three different persons. An envelope is addressed to each of them. ये देखिए जरा, ये मेरे पास ना three letters हैं. Okay, मैंने भेजनी है तीन persons को. Okay, मान लीजिए ये A person है, ये B person है, ये C person. अब इनको भेजनी है. अब भेजनी है तो भेजने के लिए मुझे envelope भी बनाना पड़ेगा. ओके ऑब्वियस है, अगर ये मेरे नाम की है तो मेरे नाम के इनवेलप में जानी चाहिए. ये अगर ममता मैम के नाम की है तो ये ममता मैम के इनवेलप में जानी चाहिए. ये अगर किसी और टीचर के नाम की है तो उसी उन्हीं के एड्रेस, नेम एड्रेस के इनवेलप में जानी चाहिए. उल्टा सीधा भी तो हो सकता है ना, गलती हो सकती है कि नहीं हो सकती है. सेम इनवेलप में लेटर ना जाए, उल्टी सीधी हो जाए. तो अब उन्होंने क्वेश्चन क्या मेरे से पूछा, व्हाट दे राइट देयर, कि अगर थ्री लेटर्स डेडिकेटेड टू थ्री पर्संस एंड एनवेलप इज एड्रेस्ड टू ईच ऑफ देम, द लेटर्स आर इंसर्टेड इनटू द एनवेलप एट रैंडम सो दैट ईच एनवेलप कंटेन्स एग्जैक्टली वन लेटर. वो तो ऑब्वियस है कि एक एनवेलप में एक ही डालेंगे, एक से ज्यादा नहीं डालेंगे. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन लेटर इज इन इट्स प्रॉपर, जो है उसने कहा है एनवेलप. वो कहता है मुझे प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो एक लेटर है ना, कम से कम एक, एटलीस्ट वन लेटर शुड बी इन इट्स प्रॉपर एनवेलप. व्हाट डज इट मींस, एक लेटर प्रॉपर अपने सही एड्रेस वाली एनवेलप में जाए या दो? अच्छा अगर दो चलेगी तो तीसरी तो अपने आप ही चली जाएगी ना, कोई हो ही नहीं सकता चेंज. यही है ना, एक मेथड तो ये है हम प्रोबेबिलिटी निकाले कि वन लेटर इज इन इट्स प्रॉपर प्लेस प्लस द टू लेटर्स इज इन इट्स प्रॉपर प्लेस. दूसरा मैं सारे केसेस लिख लूं, कोई मुश्किल है ही नहीं लिखने की. लेट अस सी कि कैसे हम कर सकते हैं. देखिए ए बी ये सी, मेरे पास ये इनवेलप्स है. ठीक है, पहला ए में ए ही जाए, बी में बी ही जाए, ए में सी जाए, ये बिल्कुल करेक्ट है. दूसरी ऑप्शन, मैंने ए में ए ही रखा, सी और बी, ये गलत वाली ना, एक सही है, कम से कम एक सही है. चलो अब अगला क्या करते हैं, मैं बी यही रहने देती हूँ, मैं सी इधर ले आती हूँ, मैं दो ए वाले हो गए, दो बी वाले हो गए. अब सी इधर रहने देती हूँ मैं, बी और ए. ओके जी, क्लियर? और कोई ऑप्शन रहेगी मेरे पास? चेक कर लीजिए, एनी अदर ऑप्शन. मैंने ए को इधर दो फिक्स कर लिया और बी सी. अब मैं बी को इधर फिक्स कर दूं, ठीक है जी, और ये सी और ए, सी एक फिक्स है, मैंने सी को इधर फिक्स कर दिया और मेरे पास ए और बी. देखो टोटल कितने केसेस बन गए, सिक्स केसेस आते हैं. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, मेरे पास टोटल सिक्स केसेस है. मेरे को प्रोबेबिलिटी इवेंट में टोटल सिक्स केसेस ऑफ फेवरेबल, कम से कम एक अपनी जगह पे होने चाहिए. दो भी जगह सही हो गए तो ठीक है, ये ए ए में गया, बी बी में गया, ये तो बिल्कुल सही है. इसमें कम से कम ए तो अपनी जगह पे है, ये भी मैंने लेना है. इसमें कम से कम बी अपनी जगह पे है, मैंने लेना है. इसमें कम से कम सी अपनी जगह पे है, मैंने लेना है. इसमें बी ए की जगह आ गया, सी बी की जगह आ गया और ए सी की जगह, ये केस मैं कंसिडर नहीं कर सकती. अब ये याद है, सी ए की जगह आ गया, ए बी की जगह आ गया, भाई मैं ये भी नहीं कर सकती. यानी फेवरेबल केसेस तो फोर ही हुए ना, फोर, टू बाय थ्री. कई बच्चे परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, आप कैसे सोचते हो क्वेश्चन को. और ऐसा चैप्टर ये है जिसमें कोई लर्निंग पावर नहीं चाहिए, अंडरस्टैंडिंग पावर, जस्ट अंडरस्टैंडिंग. और इंजॉय करते हो जब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करोगे. क्लियर है बेटा सबको? एनी डाउट टू एनी वन? चले आगे, गुड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. ओके नाउ योर होमवर्क इज टू डू क्वेश्चन नंबर सेवेंथ एंड क्वेश्चन नंबर एट. ओके आई विल स्टार्ट डूइंग नाउ द क्वेश्चन नंबर नाइन्थ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ओके डिफरेंट फ्रॉम अदर. तो लेट अस डू क्वेश्चन नंबर
नाइन्थ जो है यहां पर हम करते हैं, व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, लेट अस सी हियर इट इज रिटन। ये बिल्कुल आपकी ना परमोटेशन कॉम्बिनेशन की मिसलेनियस एग्जाम्पल की तरह क्वेश्चन है, उसमें भी ऐसा था, प्रोबेबिलिटी में भी है। अब क्या लिखा हुआ है उसने, उसने कहा अ फोर डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000, हियर इट इज रिटन, मुझे फोर डिजिट नंबर बनाना है बट इट शुड बी ग्रेटर देन 5000, ओके 5000 इंक्लूड नहीं करना मैंने, ठीक है बेटा। तो उसने कहा फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 0, 1, 3 and 5 and 7, इन डिजिट से मैंने बनाना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5, मुझे कहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो डिविजिबल बाय 5 है। फर्स्ट पार्ट है कि डिजिट्स आर रिपीटेड, बेटा ये डिस्कस कल करेंगे बिकॉज टाइम हो गया है, ठीक है, आई विल डिस्कस इट टुमारो विद द सेम क्वेश्चन, ओके, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर बेटा।